हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बात करेंगे इस वीडियो में एफ सी एल यानी फिर चार सौ आठ नौ रुपए के आसपास का प्राइस चल रहा है हालांकि गूगल पे क्लोजिंग जरूर चार सौ आठ रुपए पचासी पैसे देखने को मिल रही है लेकिन जो जो आपके लोगों के जो अकाउंट या फिर सारी जगहों पर जो क्लोजिंग आई है वो चार सौ चार रुपए सत्तर पैसे की निकल के आती है अब देखिए होता क्या है क्योंकि यहाँ पर जो 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 ऊपर की साइड में स्लाइड बनी है वो बिल्कुल लेटर हाफ में चार तीन बज के लगभग पच्चीस मिनट से लेकर के तीन बज के तीस मिनट के बीच की ट्रेंड लाइन बनी है तो लगभग लगभग चार सौ चार पांच रुपए के आसपास का एवरेज कुछ ले लिया जाता है और जो क्लोजिंग के टाइम पर दिखाया जाता है वो तो चलिए ठीक है ये क्लोजिंग क्लोजिंग तो चलो बात की बात है मूवमेंट देखते हैं जो बेसिकली स्टॉक में लेकर के मूव बना है आज देखिए निफ्टी भयंकर तरीके से टूटा हुआ था आज अक्रॉस द बोर्ड सभी जगह प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिली ये स्टॉक इन लेवलों पर क्यों अच्छा लग रहा है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटली मैं स्टॉक को पहले भी कई बार कवर कर चुका हूं यहां पर हम लोग एक बार फंडामेंटल पर लेर डाल लेते हैं तो चा, चार साढ़े चार हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिलता है स्टॉक भी 38 के आसपास ट्रेड कर रहा है इंडस्ट्री पी 34 का है तो देखा जाए तो स्टॉक तो थोड़ा सा प्रीमियम पे जरूर ट्रेड कर रहा है इंटरेस्टिक वैल्यू भी टू थर्टी की है बुक वैल्यू थर्टी के आसपास ट्रेड कर रही है डेट कंपनी पर कंप्लीटली डेट फ्री है फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा कंपनी का तो स्टॉक डेफिनेटली जब डेट है नहीं है सब चीजें तो थोड़ा सा स्टॉक प्रीमियम पे तो ट्रेड करना बनता है वहीं अगर कंपनी के फाइनेंशियल देखोगे तो लगातार अच्छे निकल के आए हैं इस बार भी अच्छा खासा कंपनी के पास में तो क्वार्टर तो दिसंबर दिसंबर में और जंप था में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वन ऑफ द हाईएस्ट निकल के आए हैं ट्वेंटी तक के मार्जिन पर जहां अदर केमिकल्स इवन स्पेसलाइज केमिकल वगैरह सब जगह मार्जिन की बहुत मारा मारी थी अभी हाल ही में रेनियो इंडस्ट्रीज के रिजल्ट निकल के आए कितना तगड़ा सेटबैक लगा लेकिन वो केमिकल सेक्टर जरूर काम करती है लेकिन हर केमिकल सेक्टर अलग अलग है ई एस केमिकल को लेकर के काम करती है तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है लगातार इंक्रीज है ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी लगातार प्रॉफिट अच्छे निकल के आ रहे हैं अब देख लेते हैं थोड़ा सा टेक्निकली स्टॉक क्या परफॉर्म कर रहा है बाकी मैं इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट वगैरह पिछले वीडियोस में बना चुका हूँ अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर यह ब्रेकआउट आया था तब मैंने बोला था कि अभी थोड़ा सा नीचे की साइड में देखना चाहिए अभी नीचे साइड में मिल सकता है और ये एक परफेक्ट जगह देखने को लग रही है स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ से बहुत छोटा सा निकल के आएगा ये देखिए मल्टी ईयर सपोर्ट रजिस्ट्रेंस था यहाँ पर ये हाई लगाया यहाँ पर सितंबर 2022 में उसके बाद में रिटेस्ट भी किया और डबल बॉटम बना करके कर स्टॉक बिल्कुल सीधे जो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन था वही आकर के स्टॉक देखने को मिला था टू हंड्रेड के लेवल्स के आसपास आता हुआ देखने को मिला भी था अब देखिए क्या हुआ लगातार कंसोलिडेशन ओवर यहां से गया ऊपर गया फिर नीचे आया सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया और लंबे कंसोलिडेशन के बाद में लगभग डेढ़ साल के आसपास में उसके बाद में यहां पर ये ब्रेकआउट निकल गया वॉल्यूम काफी अच्छे आ रहे थे अब देखिए हुआ क्या ब्रेकआउट आया उसके बाद में स्टॉक ने हिटेस्ट भी किया और 20 डेज के एक्सपोनेंशियल के पास में स्टॉक काइंड ऑफ सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है और पहला टारगेट जो रहने वाला है वो फोर फिफ्टी एट रुपीज का तो यही यही एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों का बन के आता है यहां से अगर ब्रेकआउट निकल के आता है जो मैंने टारगेट अपने मार्क कर रखे हैं लगभग सिक्स हंड्रेड रुपीज के आसपास के वो देखने को मिल सकते हैं टाइम लगेगा डेफिनेटली अच्छा खासा टाइम भी लग सकता है लेकिन यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा निकल के आता है अगर सिर्फ इनवैलिड हो जाएगा अगर आज की क्लोजिंग के नीचे की अगर क्लोजिंग हम लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलती है तो जो हमारा पैटर्न बना रखा है हम लोगों ने वो एक इनवैलिड पैटर्न के रूप में देखने को मिलेगा क्यों फिर अगला सपोर्ट कहाँ निकल के आएगा अगेन थ्री थर्टी थ्री रुपीज के आसपास फिर स्टॉक आता हुआ देखने को मिलेगा इसीलिए जो और जिन लोगों ने यहाँ पे ले लिया था स्टॉक को वो भी अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर शिफ्ट कर लें तीन सौ पंचानवे तीन सौ छियानवे रुपए के आसपास का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज करें क्योंकि तो अगर वापस से फिर अगर नीचे स्टॉक आता हुआ तो जो प्रॉफिट है वो बन, बनेंगे नहीं जो पूरे खत्म हो जाएंगे जो यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट बना लिए हैं वापस से यहाँ पर स्टॉक आए अगेन लो टू हंड्रेड एक्सपोनशियल भी यहाँ पर सपोर्ट करते हैं तो बेटर यही स्ट्रेटजी हम लोगों की फिनोटेक्स केमिकल में यही रहने वाली है आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है क्या व्यूज है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मिलते हैं अगले वीडियोस में धन्यवाद